बच्चों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अलग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जगह खाली पूरी पूरी है, क्योंकि इसमें अपन को रूट्स जो हैं उनको नो रियल रूट्स प्रूव करना है, मतलब डी से, डी को जीरो से छोटा प्रूव करना है। डी को अपन को कैसे प्रूव करना है, जीरो से छोटा। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, वीडियो आपको साफ दिख रही होगी आई थिंक, हाँ ओके। तो इफ़ ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, इन्होंने कंडीशन दी, इन कंडीशन का यूज़ अभी देखेंगे क्या यूज़ है इसका। ए डी जो है वो बी सी के इक्वल नहीं है, इसका नीचे यूज़ होगा, जब तक अपन पूरा सॉल्व कर लेंगे जब लास्ट में आएंगे, तो इसका बहुत बड़ा यूज़ है, इसी के द्वारा सॉल्व होगा। इक्वेशन दी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए सी प्लस बी डी प्लस, यहाँ लगाएंगे एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये जगह खाली हो गई, रूट नो रियल रूट प्रूफ करना है, तो नो रियल रूट्स प्रूफ करने के लिए अपन को पहले कंपेयर करना पड़ेगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू आ जाएगी बी की और सी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर डी में पुट कर देंगे। तो ए हमारा हो गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा हो गया टू ए सी प्लस बी डी, और सी आपका हो गया बेटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके ये कंपेयर कर दिया मैंने किसके साथ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो के साथ कंपेयर करा दिया ये पूरी इक्वेशन। बात समझ में आई। अब क्या करता हूँ मैं, डी की वैल्यू निकालता हूँ और उसको नो रियल रूट्स प्रूफ करना है, तो पहले डी की वैल्यू निकालूंगा। तो फॉर नेचर ऑफ रूट्स, पता नहीं मुझे कैसे रूट्स हैं इसके, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके ना मैं d को जीरो के इक्वल रखूँगा, ना मैं d को जीरो से बड़ा रखूँगा, ना मैं d को जीरो से छोटा रखूँगा। अभी बस एज इट इज़ मैं d में वैल्यू लगाऊँगा और वहाँ चेक करूँगा, अगर माइनस में आती है तो d से छोटी होगी। बात समझ में आया, मतलब जीरो से छोटी होगी d की वैल्यू, वो अभी फंडामेंटली यहाँ नहीं है, पहले अपन वैल्यू लगाते हैं। अभी आप d ही लिखेंगे इसको, वी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कौन है, इस टू का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, करें क्या, चलो ज़रूरत पड़ेगी तो कर देते हैं, चलो कर देते हैं। अब इस वैल्यू को इधर नहीं ले जा सकते क्योंकि यहाँ ज़ीरो नहीं है, तो आपको टू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टू ए सी प्लस टू बी डी का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के साथ। ओके डी इजिकल टू ये हो गया बेटा फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, तो टू तो आया होल स्क्वायर में ही होता है टू, और टू टू जे तो दो 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 आठ हो गए, आठ ए सी बी डी। ये बेटा मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ये आप आइडेंटिटी लगाएंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है जगह नहीं है, माइनस फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, जब डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, एक स्टेप बचा देता हूँ, ए स्क्वायर का इसके साथ तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस इसका इसके साथ ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस इसका इसके साथ बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके बात समझ में आया, सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस फोर का मल्टीप्लाई माइनस फोर ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको बेझिझक काटो और उनको हटा दो यहाँ से, ये हट रहा है भाई बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है डी इजिकल टू जीरो, इसको आगे लाओ सम्मान सहित क्योंकि ये स्क्वायर में है, ओके अब इसको पहचानो ये कौन है, माइनस वन वगैरह का मल्टीप्लाई कुछ मत करना, सिंपल ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, ये टू ए बी है। अब इनको कैसे करना है वो ध्यान से देखो, तो मैं अब इसको इरेज कर दूं क्या, चलो ऊपर का इरेज कर दे रहा हूँ, ऊपर का कोई ज़रूरत नहीं, जगह है, चलो जी
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अभी मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना दो मिनट के लिए, चलो ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से, यहाँ हमारा रोल जो दिया है ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी नॉट इक्वल टू बी सी दिया है, ए डी जो दिया है वो नॉट इक्वल टू बी सी दिया है। तो अगर मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ, और इसमें से माइनस फोर कॉमन ले लेता हूँ, क्या कर ले लेता हूँ, माइनस फोर कॉमन, तो ये बेटा हो गया ए, देखो प्लस रखना, प्लस अगर आइडेंटिटी में इसको सॉल्व करना है तो प्लस अंदर होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर वालों के संग क्या होना चाहिए, प्लस, अगर स्क्वायर वालों के साथ प्लस नहीं है तो आइडेंटिटी में फिर दिक्कत होगी आपको, तो इस वजह से मैंने पहले माइनस फोर कॉमन ले लिया, बात समझ में आया, स्क्वायर वालों के साथ प्लस में रखना, प्लस में बात करनी है स्क्वायर वालों के साथ, तो ये प्लस में हो गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये भी प्लस में हो गया भाई, इनके मजा आ गए, लेकिन ये माइनस में हो गया, ऐसा कोई दुख नहीं है, ये माइनस में हो जाए प्लस में हो जाए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ओके ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा अपना काम कर लिया, ये माइनस में हो गया, लेकिन जो स्क्वायर वाले हैं उन्हें प्लस में होना ज़रूरी है। अब इसको कंपेयर कर दो सिंपल, तो मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख देता हूँ, डी इज इक्वल टू माइनस फोर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी माइनस बी सी का माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ये मैंने कैसे लिखा, आइडेंटिटी के साथ, यहाँ आप लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी, लिखूँ क्या, लिख देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ओके बात समझ में आया। अब देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अगर ए डी बी सी के इक्वल नहीं दिया, इफ़ अगर ए डी बी सी के इक्वल होता, ध्यान से देखो, अगर ए डी किसके इक्वल होता, बी सी के, मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये आपको करना नहीं है, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ए डी बी सी के इक्वल होता तो क्या कंडीशन रहने वाली है, ए डी बी सी के इक्वल कर देता हूँ, डी इज इक्वल टू माइनस फोर, ए डी बी सी के इक्वल कर दिया तो बी सी की जगह ए डी रख सकता हूँ, ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये जीरो हो गया पूरा, तो इस केस में जो रूट है वो रियल रूट जो है वो इक्वल रूट बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, इक्वल, इक्वल रियल रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इक्वल रियल रूट बन जाएगा, कब बेटा, जब ए डी बी सी के इक्वल है, जब ए डी बी सी के इक्वल है तो ए डी की जगह आप बी सी की जगह आपने ए डी रख दिया, कैंसिल आउट हो गया, और डी कैसा हो गया बेटा, जीरो, तो इस केस में रूट कैसे होगा, इक्वल, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उनकी वैल्यू सेम आएंगी, क्वेश्चन के लास्ट बेस पॉइंट पर जाओ, और ए डी बेटा बी सी के इक्वल नहीं दिया है, तभी तो ये क्वेश्चन अच्छा, ए डी बी सी के इक्वल नहीं दिया है, तो जब दिया है तब रूट कैसे इक्वल, नहीं दिया है तो रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, कैसे होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, क्या सर कंडीशन वो वाली बन सकती है, रियल रूट्स वाली है, अनइक्वल रियल रूट्स की कंडीशन बन सकती है, नहीं वो नहीं बन सकती, अगर ए डी बी सी के इक्वल है तो इक्वल रियल रूट्स हैं, और ए डी बी सी के इक्वल नहीं है, जब इमेजिन करो ए डी बी सी के इक्वल नहीं होगा, मान के चलता हूँ ए डी की वैल्यू, मान के चलता हूँ वन है और बी सी की वैल्यू माइनस वन है, ए डी की वैल्यू कितनी है वन और बी सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी बी सी है, हाँ बी सी, ए डी की वैल्यू वन, बी सी की वैल्यू माइनस वन, पुट कर दो यहाँ, पुट कर दो, माइनस है और माइनस वन प्लस, तो कितना हो गया सॉल्व करके, टू आया, टू का फोर, तो कितनी आई वैल्यू, माइनस के सिक्सटीन आई कि नहीं आई, तो जब ए डी बी सी के, देखो देखो ध्यान से देखो मैंने क्या रखा, ए डी इक्वल टू वन, बी सी इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ पुट कर दिया, यहाँ होल स्क्वायर हो गया फोर हो गया माइनस है सिक्सटीन, अब माइनस सिक्सटीन किससे छोटा है, जीरो से छोटा है भाई, जीरो से छोटा है, तो सिंपल बोल देंगे नो रियल रूट्स, तो आप क्या लिखेंगे, इतना समझाने के लिए था आपको, बस आपको डायरेक्ट लिखना है, इफ इसके नीचे इसको करने के बाद, इफ ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, इफ ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, देन डी जो होगा वो जीरो से कैसा होगा, छोटा होगा, बात समझ में आया, देन डी कैसा होगा, जीरो से छोटा होगा, अगर वो कहते हैं भैया प्रूफ करके दिखाओ, या सिंपल आप ये नहीं लिखना चाहते, आपका मन नहीं मान रहा है, आपका मन मानना है सर हम ए डी को फर्स्ट केस में बी सी के इक्वल ले लेते हैं, लेट लेट कर लिया अपन, तो आप सिंपल बोल देंगे डी कैसा है, जीरो, देन द रूट्स आर इक्वल, सेकंड केस में आप कह लेते हैं सर
अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब ए डी को बी सी के इक्वल नहीं रखते हैं, ये गिविन है। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा, डी जो आएगा वो जीरो से कैसा आएगा, छोटा। सो दे हैव नो रियल रूट। बात समझ में आया? वैसे ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यही केस सेकंड लिखे आओ, ए डी अगर आपका बी सी के इक्वल नहीं है। आप वैल्यू को खुद मान के दे सकते हो, वैल्यू आप खुद प्रूफ कर सकते हो। अगर मैंने ए डी की वैल्यू 1 ले ली, बी सी की वैल्यू -1 ले ली, -2 ले ली, मतलब दोनों इक्वल ले लेने, तो जी की जो डी की वैल्यू आएगी वो जीरो से छोटी आएगी, माइनस में वैल्यू आएगी। बात समझ में आया? तो मेरे हिसाब से ये प्रूफ हो गया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपल यही लिख देना आप जो दिया गया है। नेक्स्ट प्रूफ जो दिया है